महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस सर्वसम्मति से चुन लिए गए। दिल्ली में आए पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया। सभी बीजेपी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भरी। बैठक की शुरुआत में विजय रूपाणी ने विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक अपने नाम का प्रस्ताव नहीं रख सकता है, हाँ वो किसी अन्य विधायक के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी विधायक ठहाका मारकर हंसने लगे। इसके बाद बीजेपी विधायक सुधीर मुनंगटीवार और चंद्रकांत पाटिल मंच पर आए और उन्होंने सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद कुछ अन्य विधायकों ने भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बीजेपी विधायकों ने मेज थपथपाकर फडणवीस के नाम का समर्थन किया और फिर विजय रूपाणी ने पूछा कि अगर किसी और के नाम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं। एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूँ। बैठक में मौजूद नेताओं ने एक साथ फडणवीस के नाम पर हामी भर दी। इसके बाद रूपाणी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव आया हुआ है, पक्का? इस पर नेताओं ने हामी भरी। फिर रूपाणी ने पूछा कोई दूसरा प्रस्ताव है, तो विधायकों ने एक स्वर में कहा नहीं। रूपाणी ने कहा सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव आया है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाता है। आपको बता दें कि फडणवीस कल तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। वो पिछले एक दशक से महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी विधायक दल के नेता क्यों चुने गए। 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संघ के गढ़ से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी कर दी। वो महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले सीएम थे जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनाव में पार्टी ने उनके नेतृत्व में 105 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन शिवसेना के सीएम पद को लेकर अड़ जाने के बाद वो सीएम नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने अजीत पवार के साथ एक कोशिश की, लेकिन शपथ लेने के 48 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना और एनसीपी जब दो फाड़ हुई तो इसका सारा दोष फडणवीस पर मढ़ा गया। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी दी थी। इस दौरान उन्होंने स्वयं को बचाए रखा और बीजेपी को दोबारा सत्ता में कुर्सी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अन्य पार्टियों से अलग है। वहां अगर किसी भी समय कोई भी पार्टी किसी के पाले में जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस ही एक ऐसे नेता हैं जो साम दाम दंड भेद लगाकर सरकार को चलाने की कुव्वत रखते हैं। बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाकर ही उन्हें प्रचार अभियान का जिम्मा सौंपा था। इसके अलावा सबसे अधिक रैलियां और सभाएं उन्होंने की। ऐसे में अगर उन्हें साइडलाइन कर किसी को सीएम बनाया जाता तो पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ जाता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा। फडणवीस के घर पर आरएसएस और बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बैठक हुई। ऐसे में फडणवीस संघ के अंदर भी लोकप्रिय हैं, उन पर संघ भी भरोसा जताता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।